आज ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड के बीच खेले गए मैच से पॉइंट्स टेबल में इतना बड़ा उलटफेर हो गया है कि अब इन टीमों का सेमीफाइनल तक पहुंचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। अब यह टीम लगभग सेमीफाइनल से बाहर हो जाएंगी, लेकिन दो टीमें जिसमें न्यूजीलैंड और भारत की टीम शामिल है सेमीफाइनल का टिकट लगभग कटा चुकी है। भारत एक मैच जीतने के साथ ही सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा, तो वहीं न्यूजीलैंड दो मैच जीतने के साथ ही सेमीफाइनल में पहुंच चुका होगा, क्योंकि भारत अभी तक खेले गए 5 मुकाबलों में से 5 के 5 मुकाबले जीतकर 10 अंक के साथ पॉइंट टेबल में नंबर 1 की पोजीशन पर बना हुआ है। तो वहीं न्यूजीलैंड अपने 5 मैच में से 4 मैच जीतकर 8 अंक के साथ पॉइंट टेबल में नंबर 2 की पोजीशन पर है। लेकिन अब जंग जो शुरू हुई है वह नंबर 3 और नंबर 4 की पोजीशन के लिए है, और उसमें ऑस्ट्रेलिया ने आज अपनी प्रबल दावेदारी पेश करते हुए जो उलटफेर किया है उसकी वजह से कई टीमें सेमीफाइनल की रेस से बिल्कुल ही बाहर हो जाएंगी। तो चलिए आपको बताते हैं कैसा है अब पॉइंट टेबल का हाल। उससे पहले आपको बताते चले, आज के मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया का इरादा बिल्कुल साफ था कि वह एक बड़ा स्कोर बनाएगी, और वह बड़ा स्कोर बनाने के बाद नीदरलैंड को बड़े अंतर से हराएगी, और ऑस्ट्रेलिया ने वैसा ही किया। जहां ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआत में बल्लेबाजी करते हुए 400 रनों का लक्ष्य नीदरलैंड के सामने रखा, जिसमें डेविड वार्नर ने एक बार फिर से शतक लगाया, तो वहीं मैक्सवेल ने 40 गेंद पर वर्ल्ड कप के इतिहास का सबसे तेज शतक ठोक दिया। मैक्सवेल की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया की टीम 399 रन बनाने में कामयाब हुई, तो वहीं नीदरलैंड की टीम बल्लेबाजी करने उतरती है तो नीदरलैंड का कोई भी बैट्समैन ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों का सामना नहीं कर पाया, और नीदरलैंड की पूरी टीम मात्र 90 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। और इस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने नीदरलैंड को यह मुकाबला 309 रनों के बड़े अंतर से हराया, जिसके चलते ऑस्ट्रेलिया अब सेमीफाइनल की रेस में आ चुकी है, तो वहीं पाकिस्तान की टीम इस रेस से लगभग बाहर हो चुकी है। इस जीत के साथ ही अब ऑस्ट्रेलिया ने अपने 5 खेले गए मुकाबलों में से 3 मुकाबलों में जीत दर्ज कर ली है, जबकि नीदरलैंड के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इतनी बड़ी जीत दर्ज की है कि वह अब चौथे पायदान पर आ गई है। वहीं 5वें स्थान पर अब पाकिस्तान की टीम है। ऑस्ट्रेलिया जहां 6 अंक लिए हुए है, तो वहीं पाकिस्तान खेले गए 5 मुकाबलों में से 2 मैच जीतकर 4 अंकों के साथ 5वें स्थान पर है। लेकिन अब पाकिस्तान सेमीफाइनल से बाहर हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान के बचे हुए 4 मुकाबलों में से अगर पाकिस्तान एक मुकाबला भी हार जाती है तो पाकिस्तान सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाएगी, जबकि अगर वह 4 मुकाबले जीत भी जाती है तो भी 6 जीत के साथ उसके 12 अंक ही होंगे। ऐसे में अगर ऑस्ट्रेलिया अपने बचे हुए 4 मुकाबले जीत लेती है तो उसके 14 अंक हो जाएंगे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का रन रेट इतना बेहतर है कि अब पाकिस्तान किसी भी कीमत पर ऑस्ट्रेलिया की बराबरी नहीं कर पाएगा। बात की जाए श्रीलंका, बांग्लादेश, नीदरलैंड, इंग्लैंड और अफगानिस्तान की, तो यह टीमें सेमीफाइनल की रेस से पहले ही बाहर हो चुकी हैं। जहां अफगानिस्तान और पाकिस्तान एक ही सिचुएशन में है, तो वहीं नीदरलैंड, बांग्लादेश और श्रीलंका की टीम पूरी तरह से सेमीफाइनल से बाहर हैं। पॉइंट टेबल में अफगानिस्तान की पोजीशन इंग्लैंड से काफी बेहतर है, क्योंकि इंग्लैंड ने जहां अपने खेले गए 4 मुकाबलों में से 1 मुकाबला जीता है, और तो वहीं अफगानिस्तान ने 2 मुकाबले जीतकर पॉइंट टेबल में नंबर 5 की पोजीशन बनाई हुई है, और वहीं इंग्लैंड 9वें नंबर की पोजीशन पर है। अब अगर इंग्लैंड की टीम को सेमीफाइनल तक पहुंचना है तो बचे हुए 5 मुकाबलों में से 5 के 5 मुकाबले बड़े अंतर से जीतने होंगे। लेकिन अगर कोई टीम जैसे ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका अपने किसी भी मैच में हार जाती है तो उस स्थिति में इंग्लैंड के थोड़े चांस बढ़ जाएंगे। क्रिकेट से जुड़ी तमाम रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।